हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है सुप्रतीक चक्रवर्ती जी ने, और ये लिखते हैं, प्लीज नोट वॉट एवर राहु गिव्स इन इट्स दशा और इन इट्स ट्रांजिट, इट टेक्स अवे ऑल थिंग्स दैट वन हैज कलेक्टेड व्हेन इट्स पीरियड एंड्स एज इट इज ए शैडो प्लेनेट। मतलब सुप्रति जी ये लिखते हैं कि राहु की दशा और राहु का ट्रांजिट जब होता है तो जो भी चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं, चाहे वो पैसा है, नाम है, फेम है, तो जब इस दशा का एंड होता है और जब वो ट्रांजिट चेंज होता है तो राहु हमसे वो सारी चीज़ें ले लेता है। बट हकीकत में ऐसा नहीं है कि राहु की दशा चल रही है और जो चीज़ें आपको मिल रही हैं बाद में वो सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको ऐसे समझना होगा कि राहु जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि के लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है। अगर उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो राहु अपनी दशा में, अपने ट्रांजिट में काफ़ी चीज़ें आपको देता है और वो चीज़ें बाद तक भी आपके पास रहती हैं। यानी राहु की दशा ख़त्म हो गई है, ट्रांजिट ख़त्म हो गया है, उसके बाद भी वो चीज़ें आपके पास रहती हैं। लेकिन राहु के बाद जिस ग्रह की दशा आ रही है और राहु की अंतर दशा, मतलब राहु की जो दशा चल रही है उसके अंदर अंतर किसका चल रहा है, तो जिस भी प्लेनेट का अंतर दशा चलती है अगर उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है आपके बर्थ चार्ट में तो आपको ऐसा लगेगा कि राहु का एंड हो रहा है और वो चीज़ें हमारे हाथ से जा रही हैं। जैसे राहु की महादशा चल रही है और जुपिटर की अंतर दशा चल रही है और जुपिटर की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में ठीक नहीं है, जुपिटर अपने डेबिलिटेशन में है, वीक पोजीशन में है, 6th house, 8th house, 12th house में है, राहु शनि केतु के साथ है और राहु की महादशा चल रही है और उसका एंड हो रहा है और जुपिटर की दशा चल रही है, तो आपको लगेगा कि राहु ने ये सारा काम कर दिया, यानी राहु के चक्कर में मुझे एंड में लॉस हो गया। तो राहु के चक्कर में लॉस नहीं होता है, आपको ये देखना है कि राहु जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि के लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है और राहु के अंदर जितनी भी दशाएं चलती हैं और जितने भी ग्रहों की जो दशाएं चलती है उनकी प्लेसमेंट कैसी है। अगर उनकी प्लेसमेंट ठीक है तो राहु की दशा आपके लिए बहुत अच्छी जाती है, लेकिन अगर वो जो ग्रह हैं जो राहु के अंदर चल रहे हैं अगर उनकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो राहु की दशा में आपको लॉस होता है। तो ये जो लॉस है ये राहु के कारण नहीं हो रहा है, ये राहु के अंदर जो सब पीरियड चल रहा है और जो वो प्लेनेटरी पोजिशन अगर बिगड़ी हुई है तब आपको लॉस हो रहा है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें मिस्टर जो चक्रवर्ती हैं उन्होंने ये क्वेश्चन अपना डाला था कि राहु, मतलब अपना नोट्स डाला था, जो भी नोट्स वो अपना डालना चाहते थे वो उन्होंने डाल दिया। तो उनके नोट में ये लिखा हुआ था कि राहु की जो दशा चलती है या उसका जो गोचर होता है, तो जब वो गोचर ख़त्म होता है, राहु की दशा ख़त्म होती है तो हमें काफ़ी लॉस होता है, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। सो, अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में या राहु के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।